नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कैसे करना है, कौन सा क्रिप्टो बाई करना है और बाई करने से पहले किन किन कंडीशन को देखना है, इनके बारे में शॉर्टकट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्रिप्टो पर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बाइनरी ट्रेडर्स हैं, उनके भी कमेंट्स हैं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने कैंडलस्टिक एनालिसिस नाम से नया चैनल ओपन किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल ट्यूसडे को नेक्स्ट कैंडल कैसा बनेगा, इस पर वीडियो अपलोड करूंगा, जो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए भी नेक्स्ट कैंडल ट्रेड करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्रिप्टो फॉरेक्स जैसा जल्दी जल्दी बाई सेल नहीं किया जाता है। कोई भी क्रिप्टो हो, बाई करने से पहले इन तीन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम क्रिप्टो मार्केट से मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं। नंबर 1, वही क्रिप्टो बाई करना चाहिए जो अच्छे एक्सचेंज में लिस्ट है और जिसका आगे फ्यूचर अच्छा है। नंबर 2, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। नंबर 3, जो डीप सपोर्ट में और सस्ते में मिलता है। अगर हम इन तीन बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना, 1000 गुना और उससे अधिक भी बना सकते हैं। इस तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम इनकम करने के लिए आपको न्यू कॉइन या टोकन पर इन्वेस्ट करना होगा, जो इन तीनों कंडीशंस को मीट करते हैं। ऐसा ही एक क्रिप्टो मेरे रिसर्च में आया है, शिबा आयनू। ये बहुत ही सस्ता क्रिप्टो टोकन है। इस पर मेरा 2 हफ्ते पहले से नजर था, बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद खरीदूंगा ये सोचा था। 4-5 दिन पहले ही बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, जो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसको मैंने खरीदना इसलिए ठीक समझा क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये अभी मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। 1 घंटे का कैंडल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे क्लोज होता है तो ये मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ आने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। फंडामेंटल जो है शिबा इनू का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही सस्ते रेट पर हमें मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ से ब्रेक करके बहुत नीचे तक जाएगा। अगर ब्रेक करता है तो अभी थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर ही जाना है इसको, क्योंकि ये इसका 2-3 रीजन है। पहला रीजन है, ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बाइनेंस पर लिस्ट होने के लिए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, लाखों क्रिप्टो करेंसीज स्ट्रगल करते हैं बाइनेंस पर लिस्ट होने के लिए, लेकिन लिस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका लंबा क्राइटेरिया है। बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट में दम होना चाहिए। ये सारे कंडीशन को मीट करने के बाद ही बाइनेंस पर लिस्ट होता है, तो ये बाइनेंस पर भी लिस्ट है। और 4-5 दिन पहले ये न्यूज आया था, इथेरियम को फाउंडर एंड क्रिप्टो बिलियनेयर डोनेट्स 1 बिलियन टू इंडियन कोविड फाइट। इंडियन कोविड फाइट के लिए इन्होंने, ये जो इथेरियम के को फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, इन्होंने डोनेट किया। अगर ये क्रिप्टो करेंसी में दम नहीं होता तो ऐसे बड़े आदमी अपना नाम नहीं खराब करते, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस क्रिप्टो करेंसी के लिए। और आजकल में इनका सीबा स्वैप बोल के जो एक्सचेंज है स्वैप करने का, वो टेस्ट हो रहा है। आजकल में टेस्ट होगा और आजकल में 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा न्यूज आएगा। उसके बाद ये दिस वीक फ्राइडे तक ये 100% से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है। इसलिए अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये खरीद के रखा है 3-4 दिन पहले, जब ये डीप पर आया था इसी सपोर्ट पर।
इसी सपोर्ट पर मैंने खरीदा था। ये उस दिन आया था जिस दिन इलन मस्क का अनाउंसमेंट आया था कि उन्होंने टेस्ला कंपनी के परचेजिंग में जो बिटकॉइन रिसीव कर रहे थे उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद सारे क्रिप्टो करेंसी डाउन आए थे बहुत ही, तो उस टाइम पर मैंने इसी जगह पर खरीदा था। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, 6 मिलियन कॉइंस मैंने उस रेट पर खरीदा था, उस सपोर्ट पर खरीदा था। मैंने उस टाइम पर $100 पर खरीदा था, अभी ये $3-4 नीचे है क्योंकि मार्केट फिर मैंने जहाँ खरीदा था वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के कारण इतना नीचे है, इसलिए ये यहाँ पर मुझे कम दिख रहा है, $4 का लॉस दिखा रहा है। लेकिन ये जो कॉइन खरीदा है ये मेरा प्लान है, मैं ये एटलीस्ट 3-4 साल जब तक ये मेरा इन्वेस्टमेंट है 100 गुना से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये मैं कॉइन नहीं सेल करूँगा। इसलिए आप भी अगर खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा मत खरीदिए, $10, $20, $50, $100 तक, क्योंकि ये नया कॉइन है। नया कॉइन में शुरू में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इतना इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको ये ऊपर ही जाएगा बोलकर गारंटी दे सकूं, लेकिन जितना मैंने इस पर एनालिसिस किया है वो सारा एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहा है ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 100% उससे ज़्यादा 200-400% तक भी ये मार्केट हमें रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक दो दिन में ही ये बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है ये सीबा स्वैप के बारे में, सीबा स्वैप के बारे में ये अपना फ्यूचर प्लान भी बताएंगे, वो बताते ही ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जाएगा। इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और अब मेरा नेक्स्ट नज़र सेफ मून पर है, अभी ये इन एक्सचेंज पर लिस्ट है और ये इन एक्सचेंज पर लिस्ट होते ही मैं नहीं खरीदता हूँ, एटलीस्ट ये बाइनेंस पर लिस्ट होना चाहिए। हमने अभी सीबा इनो के बारे में चर्चा किया, वो बाइनेंस पर लिस्ट है, हुबी पर लिस्ट है। सेफ मून भी अगर बाइनेंस पर लिस्ट होता है या फिर हुबी पर लिस्ट होता है और फ्यूचर में बाइनेंस पर लिस्ट होने का कंफर्म न्यूज आता है तो ही मैं ये सेफ मून को खरीदूंगा। आप अभी ये सीबा इनो है ये बाइनेंस से या हुबी से खरीद सकते हैं, बाइनेंस से खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका हुबी में इंटरेस्ट है तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बाइनेंस और हुबी में नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उन दोनों एक्सचेंज के लिंक हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, वो लिंक क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये कॉइन खरीद सकते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, फ्यूचर में ऐसा अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा तो मैं उन पर भी वीडियोज बनाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।